गीता सोरा हो देना फिर ये तो मैं पूरा हक देना के जमानू धक्के मार के करो बार कर सकती है। ज्यादा दिन और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं तो इदा इस घर विच रहने का कोई हक नहीं, इन्हों तो मैं आप धक्के मार के बार कटू। चल निकल बाहर। महाराज जी मेरा हंटर लेके आए सर। गी देख लिया भाई साहब तुसी अपने जिदा नतीजा अज तुसी कले हो कले अज तो असं एक छत थले जरूर रहांगे पर एक परिवार बन के नहीं। ये देखो ये मेरा परिवार अज तुसी कले बैठे हो कले ही रहोगे। चलो सारे आ जाओ। इस माण मैनू इन्ने टाइम तो धोखा दे रही थी मैनू पता ही नहीं लग्या गलती तो मेरी सी। नहीं रोकी तेरी कोई गलती नहीं पहले हूँ जो हो गया सो हो गया तो प्लीज अपनी अग्गे वाली जिंदगी बारे सोच। अजकल वड्डे पापा जी एक पासे ने ते सारा परिवार एक पासे असि उन्हां नाल सही तां कर रहे हां जी ऐ करना बहुत जरूरी सी हर बंदे ते बर्दाश्त दी खाद हुंदी ते जदों पानी बंदे ते सर तक पहुंच जाए तो ना ही डुब्या जांदा ते ना ही तैरिया जांदा जो असि हुण तक करदे आ ते जे हुण भी ताया जी सुधरे नहीं ना कीते तां कदे नहीं सुधर सकदे। खैर तुसी सब गल्ला छड्डोगे अपने इस चैरिटी इवेंट बारे सोचो उदी तरीक नेड़े ही है। हाँ जी महाराज जी ये चैरिटी इवेंट करना बहुत जरूरी है ते बड़े पापा जी नूं दिखाना भी बहुत जरूरी है कि औरतां की कर सकदी हैं। गीत चैरिटी इवेंट की सारी तैयारी हो गया सब कुछ सैट है ते हाँ ये शो लाइव टेलीकास्ट होएगा इनफैक्ट टीवी ते भी ते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ते भी। मैं चाहनी है कि इस मौके ते तुसी एक इंस्पायरिंग स्पीच दो ताकि तुहानूं वेख के बाकी औरतां भी इंडिपेंडेंट बनन ते ओह भी अपने पैरां ते खड़ियां हो सकन। हाँ जी जरूर मैं इवेंट ते औरतां नूं संबोधन जरूर करांगी सगों साडा ते एम ही इही है कि मेरे वांग औरतां अपने टैलेंट नूं पछाणन ते अपनी जिंदगी जीवन ते पैसे कमाण। तू इदा का कुछ नहीं करेंगी गीत तू इदा की कोई स्पीच नहीं देगी तू औरतों को गलत गल्लां नहीं सिखाएगी समाज में औरतों की जगह पहला तो पक्की है वो आदमियों के बराबर नहीं हो सकते इसलिए तू औरतों की मत ना मार जे तू उन्हां दा भला चाहनी है ना उन्होंने सलाह दे कि वो अपनी हद दे विच रहन औरतां करदे काम करदी ही चंगियां लगदियां ने औरतों का फर्ज है सस सहुरे ते घर वाले की गल मनना ते उन्हां दी सेवा करना। बड़े पापा जी मैं इदा दा कुछ नहीं करांगी नाले औरतां ने ठेका नहीं लिया किसी चीज़ का परिवार च सब बराबर होंदे ने किसी नूं कुर्बानी देने की लोड़ नहीं होंदी हर कोई अपनी जगह पर रह के अपने फर्ज निभा सकता है। जे एक औरत रसोई च खड़ के रोटी बना रही होंदी है ना तो उत्थे बंदे नूं खड़ के उहदे नाल सब्जी कटाने च उहदी मदद करनी चाहिए। जे एक औरत बच्चे सांभदी है तो बंदे का फर्ज होंदा है कि वह काम तो आके अपनी जिम्मेवारी निभाए बच्चों नूं सांभे। एक परिवार आदमी ते औरत दे प्यार नाल बनता है जिथे प्यार नहीं जिथे अंडरस्टैंडिंग नहीं उत्थे कुछ भी नहीं। मैं चैरिटी शो दे विच स्पीच जरूर देवांगी। चलो मैम असीं बाहरले काम देखिए।
मैं देखता किद्दा देनी, मैं तेनू अपने सामने गोटियां दे पार बिठावांगा। हेलो सिमोन, तू गीत टोली चैरिटी शो की न्यूज देखी है टीवी पे? हाँ जी विवेक, वही देख के तुहानू फोन किया है। मैं उहदा चैरिटी शो सक्सैसफुल नहीं होण दिआंगी, उहने मैनू बाहर कढ़िया है ना, मैं अपना बदला लैके रहांगी। किद्दां रोकेंगी उसनू? मेरे कोल एक बहुत ही सॉलिड प्लैन है अंकल। बहुत बढ़िया प्लान है, मैं तेरा पूरा साथ देवांगा। मैनू कॉल ना करो, बार बार फोन करके मैनू परेशान क्यों कर रहे हो तुसी? ओ काचरा गिन्नी, जिमल हार सुमेर ते रॉकी ने मेरे को डाइवोर्स पेपर ते साइन करवा लिया, इसका मतलब है नहीं कि मैं चुप रहांगा। ते जिहड़ा टीवी ते ओ चैरिटी शो दा ड्रामा चल रहा ना गीत दा, मैनू सब पता। की देखेगा? गीत वापिस सब कुछ करेंगे, उनादे मंच जो भी है ना वो करेंगे। मुंह बंद रख अपना, जिदी जबान मेरे सामने खुलदी नहीं सी, हुण ओही चूही गीत दी शह ते मैनू शेर नहीं बन के दिखा रही है। दिक्कत की है तेनू, क्यों बार बार मैनू परेशान कर रहा है? हो तू मेरी गल कान खोल के सुन, जे हुण तू अज तो बाद मेरी धी नूं परेशान करन दी कोशिश कीती ना, तो मैं तेनू हरासमेंट दे केस अंदर करा दांगी। सुन लिया? ते हुण मेरी धी तो दूर रह। सारा कुछ ना गीत दे करके हो रहा, मैं ना सोखा नहीं जान देंगा उन्हों। चुप हो जा गिन्नी, देख असि सारे घर वाले तेरे नाल, मैं तेरे नाल, तेनू रोन की कोई जरूरत नहीं, चुप हो जा पुत्र। गिन्नी तू रो क्यों रही? उस रंजीत का फोन आया से दोबारा। इस रंजीत हुंदा मैं? छड़ो पापे, उन्हें मुंह ना लगाओ, बस उन छेती छेती ये डाइवोर्स हो जावे। पर गिनी तू कदों तक इदा हंजवा आंदी रहेंगी? तेनू स्ट्रोंग बनना पैना गिनी। हाँ गिनी पुत्र, गीत बिल्कुल सही कह रही, तेनू ना डरन की बिल्कुल लोड़ नहीं, हुण हिम्मत दिखाउण दा टाइम है। मेरे को एक आइडिया, तू इदा कर, तू मेरे नाल इवेंट चल, उस इवेंट च तू मेरे नाल परफॉर्म करेंगी, स्टेज ते चढ़ के ढोल वजाएंगी, नाले दुनिया नूं वेदा पता लगे कि तेरी जिंदगी हाले तक खत्म नहीं हुई। सीरियसली गीत पापे, थानू लगता है मैं कर पाऊंगी? क्यों नहीं कर पाएंगे गिन, जरूर करेंगी तू। हाँ जी, मैंने इतने क्यों बुलाया, कौन है तू तो? तेरे को मेरा नंबर कितों आया? बड़ी मुश्किल नंबर कटाया टाडा, जिंदगी तो मौत का सवाल सी, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਗੀਤ ਟੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਕ ਦਿਓ ਹੁਣੇ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਗੀਤ ਟੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੀਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਤੇਵਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹਸਤਾ ਵਸਤਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੀਤ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ।
तेरी पर्सनल लाइफ से जो कुछ भी हो रहा है उदे करके मैं तेन कदे टुटन नहीं देंगी गिनी। बंद करो ये प्रैक्टिस। मेरी बोटी ढोलनी बजाएगी। पर क्यों? क्योंकि तू मेरी बोटी नू ढोल सिखा के मेरे खिलाफ कर रही है ते सड़क तलाक करवाना चाहती है। नाले मैनू पता है तू पहले भी ये सब बहुत बार कर चुकी है। मैं जानता हाँ किदा तू औरतों नू उन्हां दे ही परिवार खिलाफ भड़का के खड़ा कर दिंदी है। थानू गलत फहमी हुई है, मैं इदा दा कुछ नहीं किया ना मैं कुछ किया। जरूर थानू किसी ने झूठ बोले। झूठ तो तू बोल रही है गीत। दस दिन तू मेरी वोटी नाल मेरा ब्याह करवाया, मेरी वोटी नू मेरे खिलाफ नहीं भड़काया। एक बार नहीं सर, बार बार ने बार बार मेरी वोटी ने मेरे खिलाफ भड़काया। मैं हर बार अपनी वोटी ने मनाने की कोशिश की थी, पर जदों तक मेरी वोटी मेरे खिलाफ ना हुई इस गीत टोली ने मेरा पीछा नहीं छड़िया। बकवास बंद कर। देखिया देखा कि मैं चुप करवा रही है। मेरी वोटी है, इन्हें मेरी वोटी ने मेरे खिलाफ कर देता। नहीं नहीं, जे मेरे करके तुसी गीत पाबी उते शक कर रहे हो तो मैं शो च हिस्सा ही नहीं लवांगी। बट प्लीज तुसी गीत पाबी उते कोई भी इल्जाम ना लाओ। मैं तां गीत होली दा अपनी रूप देख लिया। मैं अपना घर बर्बाद नहीं होण दवांगा। तो गीत होली तू हुण मेरी वाइफ तो दूर रह। ते जे तू हुण इस शो विच हिस्सा लिया तो वापस घर ना आई। एक ढोल हूँ ही इसे वेले छड़, नहीं तो मैं तेनू छड़ देंगा। नहीं नहीं, मैं ढोल छड़ देंगी, तुसी मैनू ना छड़ो। मैं हुन गीत नाल चैरिटी शो च हिस्सा नहीं लवांगी। कराना सी ना तो चैरिटी शो, देख मैं सब कुछ बर्बाद करके रख देता। गीता, I'm sorry गीता, I'm really sorry। ये सब कुछ मेरे करके हो रहा है। नहीं गिनी, ये जो कुछ होया तेरी गलती नहीं, गल कुछ हो रहा है। उन्होंने हस्बैंड बार बार एक गल क्यों कह रहे थे कि मैं लोगों के तलाक करवाए, कोई तो गल इस बार तो साड़ी तिकड़ी ने कमाल ही कर दिता है। बड़ी दूजी कुड़ियों के सुपनों नूं पंख देन चली सी, उहदे पंख ऐसे कट्टे कि सिद्धा जमीन ते टिकी है। ਉਹਦਾ ਐਨਜੀਓ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਪਤੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ, ਗਿੰਨੀ ਦੇ ਡਾਇਵੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ, ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਰੇਗੀ। ਉਹ ਹੈ ਇਸੇ ਲਾਇਕ, ਬੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਮੰਡ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਕਮਾਨੇ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਉਹ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ।
नहीं तो उस रणजीत नूं किद्दां पता लग्या कि उह दूजी औरतां दे हसबैंड वी उत्थे आए होणगे। ते आप उत्थे उसे वेले पहुंच के तलाक दी गल कीती। सारी प्लानिंग उस रणजीत दी है। सिमोन वी तां हो सकदी। ये सारी मिली भगत है। सारी खिचड़ी पकाई इन्हां सारे ने कट्ठिया ने। खैर मैं रोकी ते भैरवी नूं काम ते पहले ही लाता सी। भैरवी कुछ पता चलिया? हाँ मैं उत्थे जाके उस औरत नूं मिली हाँ। पहले तो मैं मिलने लई तैयार नहीं सी, पर मैं फिर भी कुछ करके उन्होंने मना लिया। तो उन्होंने मैनू दस्या कि उन्होंने घर आलियां नूं कोई आदमी मिला सी जिन्हें उन्होंने ये दस्या कि गीत ढोली तो उहदी वोटी ढोल सिखदी है। तो गीत ने उन्हें पूरा अपने वश च कीता है ते इन्नी को पट्टी पढ़ाई है कि हुण वो अपने पति नूं डाइवोर्स दे रही है। तो ये सब कह के उन्हें ताडे खिलाफ भड़काया है गीत। असल उन्होंने भड़काने वाले पति नूं लभना पएगा। पर इहो जिहा कौन है जिहदी वोटी नूं मैं ढोल सिखाया? रोकी बापू चको मल्हार जी कुछ दसना होएगा उन्हें। हेलो रॉकी कुछ पता लग गया? हाँ हाँ मैं उत्थे ही हाँ, उस आदमी दे घर दे बाहर ही खड़ा हूँ। मतलब मैं तो तेनू सिमोन दे घर दे बाहर जाण नूं कहा सी, उत्थे कौन आंदा जांदा सारे ते नज़र रखण नूं कहा सी। हाँ मैं उही करन गया सी, पर मैं उत्थे सिमोन दे घर एक अजीब जे बंदे नूं देखिया जिहड़ा अंदर गया खाली हथ। जदों उह बाहर आया उहदे हथ च मोटा जिहा लिफाफा फड़िया होया सी। पक्का उहदे विच पैसे होण, उहने पक्का सिमोन दा कोई ना कोई काम कीता होऊगा जिहदे उह पैसे लैण आया सी। फिर मैं उस आदमी का पीछा किया तो हूँ मैं उसके घर के बाहर ही खड़ा। कितने ये तो नहीं साड़ा टारगेट? हाँ यही होएगा, उस सो कॉल्ड पत्नी का सो कॉल्ड पति जिन्हों गीत ने ढोल सिखाया। एग्जैक्टली डॉक्टर, तो उस आदमी तेना नजर रख ते पता कर वो जा कितने रह, सानू एड्रेस भेज असी उत्थे आने। हाँ हाँ तुसी फिक्र ना करो मैं उत्थे ही, तो मैं थोनों एड्रेस भेजदा, तुसी जल्दी तो जल्दी आ जाओ। ठीक चल। हुण सानू इत्थे क्यों बुलाया है? असी वापस शहर जा रहे हैं, हुण नहीं असी रुकण वाले। देखो असी गल करनी है कुछ लास्ट टाइम। केड़ी गल? किसने? असी इहने गल करनी सी। हुण एक ही नवा ड्रामा है गीत, असी क्या ना असी कोई गल नहीं करनी। कोई गल तुसी गीत नाल गल नहीं करनी तां कोई गल, सारी सच्चाई है नकली पति बोलेगा। बोल। नकली पति? हुण चुप क्यों है? बोल। दसदा हाँ दसदा हाँ, मेरी कोई वोटी नहीं है ते ना ही गीत ने मैनू कोई ढोल सिखाया है ते ना ही मेरा कोई तलाक होया है। मैनू तो तुहानू सभनां नूं भड़काउण दे पैसे दित्ते गए सी तां जो तुसी सारे गीत दे खिलाफ हो जाओ ते NGO वाला प्रोग्राम रुक सके। सुनने सारे ने गीत ने कोई झूठ नहीं बोलिया, झूठ बोलिया इन्हें ते क्यों बोलिया वो भी इहदे मूंह ही सुन लो। ठीक है इहदी वोटी दा तलाक नहीं होया होएगा, पर गीत दी अपनी ननान उहदे तां होया ना, साडा भी करवा देगी। एक बार मेरी गल सुनो, गीत भाभी ने मेरा डिवोर्स करवाया क्योंकि मेरा पति पति नहीं है, एक जानवर सी। वो मैंने दिन रात टॉर्चर करता सी, मैंने कुटता सी। जे तुहानू यकीन नहीं होंदा तां आप वेख लो इस सिगरेट दे निशान ते ये सब ओदा कीता होया टॉर्चर ही है। हुण तुसी दसो एदा दे पति नाल कौन खुश रह सकता है? तुसी अपनी वोटी नाल एदा करदे हो? नहीं नहीं मेरे पति बहुत चंगे हैं, वो कदी भी इस तरह नहीं कर सकते। बस फिर गीत भाभी ने मैनू इस तरह दे नरक तो बाहर कढ़िया है, हुण तुसी दसो
तुहानू की लगता है गीत भाभी ने कुछ गलत किया है? इदां दे पति नालों तलाक ही चंगा है। बिल्कुल सही कहा तुसी, नाले तलाक दा है मतलब नहीं कि कुड़ी दी जिंदगी खत्म हो गई। मैनू भी लग गया से कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, बट गीत भाभी ने मैनू हिम्मत दी है कि मैं अपनी लाइफ नू नए सिरे तो शुरुआत कर सकती हाँ, अपनी किस्मत आप लिख सकती हाँ। तो ये हिम्मत ते हौसला मैनू मेरी गीत भाभी ने दिता है, नहीं तो मैं कदों दी हार चुकी सी।